हेलो वीवर्स, आज की वीडियो एक पेस्टिसाइड पर है जो हम इजीली घर पर बना सकते हैं। और इस पेस्टिसाइड को मैं अपने इस क्लाइंबिंग रोज़ पर और दूसरे रोज़ के प्लांट पर अप्लाई करूंगी। हमारे यहाँ ये क्लाइंबिंग रोज़ बिल्कुल एक हेल्दी इसकी पत्तियाँ हैं, इस पर कोई इंसेक्ट नहीं लगा हुआ है। पर अगर आप इस पेस्टिसाइड का यूज़ इस पर ऐसे भी कर देंगे तो इस पर इंसेक्ट लगेगा नहीं, और अगर आपके प्लांट पर लगा हुआ है तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो वो वाला पेस्टिसाइड जो हम इजीली घर पर बना सकते हैं और सामान भी हमारे पास इजीली घर में ही अवेलेबल हो, तो मैं उस पेस्टिसाइड के बारे में बताती हूँ। ये जो पेस्टिसाइड हम बनाने वाले हैं उसके लिए हमें जो सामान चाहिए वो है ये एलोवेरा का एक लीफ, ये लहसुन की थोड़ी सी 7-8 के करीब गांठ है इसकी, और ये दो हरी मिर्च। अगर आपके पास हरी मिर्च नहीं है तो आप लाल मिर्च भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये एलोवेरा को छीलकर उसका हम पल्प निकाल लेंगे। ये एलोवेरा का पल्प हमने निकाल लिया है, और इधर हम ये लहसुन की थोड़ी सी गांठें छील लेंगे और उसे मिक्सी में बीट कर लेंगे। लहसुन और मिर्च को इकट्ठे मिक्स कर लेंगे। ये हमने लहसुन और मिर्च का पेस्ट बना लिया है, और उधर ये एलोवेरा के पेस्ट है। अगर आप चाहे तो इसे चम्मच की हेल्प से थोड़ा सा इसे मैश कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी बीट कर सकते हैं। अब हम इन दोनों चीज़ों को किसी ऐसे बाउल में डालकर मिक्स कर लेंगे। और इसमें 1-2 लीटर के करीब सादा पानी डालकर आपका ये पेस्टिसाइड तैयार हो चुका है। ये देखें, अब ये पेस्टिसाइड तैयार हो चुका है। तकरीबन 2 घंटे के लिए हम इसे ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, और उसके बाद इसे किसी केन में डालकर हम अपने प्लांट्स पर, रोज़ प्लांट्स पर और क्लाइंबिंग रोज़ पर इसे अप्लाई करेंगे ताकि उस पर कोई भी इंसेक्ट ना लगे। वीवर्स, ये मेरे पॉट में लगे हुए रोज़ के प्लांट हैं, ये देखें ये सभी, और इन पर देखें ये अब भी बर्ड्स आ रहे हैं, और देखें इनके पत्ते भी कितने ग्रीन, और इन पर कोई भी इंसेक्ट नहीं लगा हुआ है। पर अब मैं ये वाला पेस्टिसाइड इन पर भी अप्लाई करूँगी, क्योंकि अगर इन पर कोई इंसेक्ट वैसे तो है नहीं, अगर होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर हम ऐसे भी इन पर कर देते हैं तो ये घर पर ऑर्गेनिक ही है, तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट हमारे प्लांट्स पर नहीं पड़ेगा। ये देखिए, आप इस तरह से सभी अपने प्लांट्स पर इनका शावर कर दें। ये देखिए, और ये वाला पेस्टिसाइड अब मैं क्लाइंबिंग रोज पर भी अप्लाई करूंगी। दिस वीवर्स, अब मैं इस क्लाइंबिंग रोज पर इस पेस्टिसाइड को अप्लाई करने वाली हूँ, पर उससे पहले मैं जो इसके जैसे फूल सूख चुके हैं, जो ऐसे ये बर्ड्स बन चुके हैं, ये वाले ये फूल सूखे हैं, इन फूल सूखे फूलों को और जो भी मेरे यहाँ पर जैसे ये पीली पत्तियाँ हैं, तो वो सब सफाई कर दूँगी, वो साफ़ कर दूँगी, उसके बाद पेस्टिसाइड को मैं अप्लाई करूँगी। आप इस तरह से बर्ड्स को काट दें, आप इस तरह से इसके ये फूलों वाले सूखे फूलों वाले बर्ड्स को काट दें, क्योंकि अब सारे प्लांट की एनर्जी इनके पास जा रही है। करें आप ये जो पीली पत्तियाँ हैं इन पर, जैसे ये वाली ये पीली पत्तियाँ, सभी ये पीली पत्तियाँ भी सफाई कर दें। आप इस एलोवेरा पेस्टिसाइड के अलावा नीम ऑयल पेस्टिसाइड भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आप सारी एलोवेरा पर, आप इस तरह से इस सारी रोज़ वाइन पर या अपने और भी प्लांट पर इस पेस्टिसाइड का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फ्लावरिंग के बाद
प्लांट के अंदर काफ़ी डेफिशिएंसीज आ जाती हैं, और ये मोस्टली ये वो वाला पीरियड होता है जब इंसेक्ट या पेस्ट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए अगर आप टाइम रहते ही इस पेस्टिसाइड का यूज़ अपने प्लांट्स पर कर लेंगे तो उस पर इंसेक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि एनर्जी काफ़ी कम हो जाती है प्लांट में। और मैं कुछ ही दिनों बाद अब इसमें जब फ्लावरिंग बिल्कुल ख़त्म, तब मैं इसमें फर्टिलाइज़र एक बार फिर से दूंगी और वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो, नई वीडियो के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ मैं फिर आपके सामने आऊँगी। तब तक आप घर पर रहें इस लॉकडाउन में, स्टे होम स्टे हेल्दी।